क्या लंचेस बोरिंग है, चलिए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज मैं रखूंगी साउथ इंडियन फूड, जिसमें है इडली सांभर, और वो भी बहुत ही क्यूट क्यूट शेप्स। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से शेप्स को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि आपका लंचेस बोरिंग है, चलिए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग को, अगर आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे तो कैसे बोलोगे? क्योंकि हमने रखा है आज साउथ इंडियन फूड, तो हम लेंगे कमला बलोली का कमेंट। तो कन्नड़ लैंग्वेज में मेरी लाइन कुछ ऐसी होगी, निम्मा टिफिन बोरिंग इद्रा स्वल्प सक्कत मधुन बार। इस लाइन में मैंने जो भी मिस्टेक्स की है जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। चलिए बढ़ते अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं रखूंगी इडली। अब सांभर के बिना इडली खाने में क्या ही मजा आए। तो हमने अपने ब्लू वाले लंच बॉक्स के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं रखूंगी अपना स्नैक्स पोर्शन। लेकिन उसके पहले हम रखेंगे चटनी। इडली के साथ बेसिकली दो टाइप की चटनियां खाई जाती हैं, एक तो एक कोकोनट और एक टोमेटो। मुझे कोकोनट वाली ज्यादा पसंद है, तो मैं रखूंगी कोकोनट चटनी और साथ में ही एक ट्विस्ट का बार और एक कुकी और साथ में स्पून। चलो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते जाओ। बाय।